चक्रवाती तूफान तितली भयावह रूप ले चुका है। चक्रवात की आशंका के मद्देनजर उड़ीसा राज्य सरकार ने 5 तटीय जिलों के निचले क्षेत्रों से 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। गुरुवार सुबह तूफान उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराया। फिलहाल इन इलाकों में भारी बारिश हो रही है। चक्रवात उड़ीसा के तटीय इलाकों से गुरुवार सुबह 5:30 बजे टकराया। गोपालपुर तट से टकराया तितली तूफान। तूफान के कहर से भारी बारिश जारी। तूफानी हवाओं में उखड़ गए पेड़ और खंभे। तितली के टेरर से सहमे ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ओडिशा के 18 जिलों में रेड अलर्ट। लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। चक्रवाती तूफान तितली ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है और ये अब ओडिशा और आंध्र प्रदेश तट पर पहुंच गया है। गुरुवार सुबह तितली तूफान ओडिशा के गोपालपुर तट से टकराया, जिसे ओडिशा के तटीय इलाकों में इस वक्त 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान की वजह से गोपालपुर और बिरहामपुर में कई पेड़ उखड़ गए हैं और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में देखिए तितली तूफान का कहर। तूफान की रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, उसके कारण अभी भारी बारिश और तबाही की आशंका है। गांव में गोपालपुर है। सरकार के बहुत सी सिटी में लेते हैं ना, पैसा ज्यादा लेके जाते हैं और धंधा करने का ना धोनी है ना पलटे होते है और गौर का सब भांग जाते है। कुछ भी सरकार कुछ भी देते नहीं हमको। आपका पोचा लेके सेंटर में है। तो आप लोग यहाँ क्यों घूम रहे थे? आप लोग का घर घर टूट गया सब गम गया और ना डोनी सब आवाज आए ना टाइटो, इसलिए सब काम करने का होता नहीं है, डोनी जाने का होता नहीं है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया तितली। गुरुवार की सुबह जब ओडिशा के गोपालपुर तट से तितली टकराया तो उसकी रफ्तार 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी। वहीं बुधवार को हवा की रफ्तार 120 से बढ़कर 130 से 140 तक देखी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 2 महीने में ये दूसरा खतरनाक तूफान है। तूफान की वजह से अगले 2 दिनों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। 5 मछुआरों को बचाया गया। चक्रवाती तूफान तितली उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय तटों तक पहुंचने के बाद बंगाल की ओर बढ़ रहा है। गोपालपुर में आए समुद्री तूफान की चपेट में आकर मछुआरों की एक नाव डूब गई। इसमें 5 मछुआरे सवार थे जिन्हें बचा लिया गया। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। तूफान का सामना करने के लिए प्रशासन ने कड़ी तैयारी की है। इसके नुकसान से बचने के लिए अलग अलग जिलों में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। गंजाम के गोपालपुर के पास तितली चक्रवात के कारण सुबह 5:30 पर भूस्खलन हुआ, जिसके कारण इलाके में रहने वाले 10,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। राज्य के मुख्य सचिव ए.के. पाड़ी ने बताया कि एनडीआरएफ और ओडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार तैनात हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से भी संपर्क कर रही है और जरूरत पड़ने पर सेना की मदद ली जा सकती है। चीफ मिनिस्टर रिव्यूड द साइक्लोन सिचुएशन इन द सेक्रेटेरिएट
साइक्लोन तितली हैज नाउ बीन अपग्रेडेड टू अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विथ विंड स्पीड्स फ्रॉम 140 टू 150 किलोमीटर्स एक्सपेक्टेड एट लैंडफॉल एंड गस्टिंग स्पीड्स ऑफ 165 किलोमीटर्स पर आवर. लैंडफॉल इज एक्सपेक्टेड टुमारो एट अराउंड 5:30 AM in South Odisha, in Ganjam district, near, around Goparpur of Ganjam district. तूफान के कहर का असर. रद्द की गई ग्रुप डी की परीक्षा. ग्यारह और 12 अक्टूबर को उड़ीसा के कई शहरों में होने वाली ग्रुप डी की परीक्षा तितली तूफान के कारण स्थगित कर दी गई है. ग्रुप डी की कंप्यूटर बेस्ड ये परीक्षा भुवनेश्वर, कटक, ढेकनाल, संभलपुर, खुर्दा और ब्रह्मपुर में होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा स्थगित हो गई है. 3 लाख लोगों को हटाया गया. तितली तूफान के कहर को देखते हुए अब तक 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. साथ ही मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है. ओडिशा में 4 जिलों के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दे दिए गए हैं. ओडिशा सरकार ने खतरनाक हालातों को देखते हुए 5 तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को हटा दिया है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हालात का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने गंजम, पुरी, खुर्दा, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों के कलेक्टरों से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से तुरंत घर खाली कराने के लिए निर्देश दिए. क्या बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान. ओडिशा में तितली तूफान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है. हर किसी के लिए ये आगे आने का समय है. मुझे उम्मीद है कि सबके सहयोग के साथ इस संकट से निपट लिया जाएगा. तटीय आंध्र में ये कोई विषय नया नहीं है, फिर भी घबराहट तो होना स्वाभाविक है. जब 165 कहा गया था, अभी किसी ने मेरे को बताया 175 तक भी जा रहा है. जब इतनी गति से हवा आएगी, निश्चित रूप में थोड़ा तो चुनौती बढ़ती है, लेकिन सरकारें, जिम्मेवार लोग, नौजवान उसके लिए तैयार रहे होंगे. और पिछले कई घंटों से मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और वहाँ की प्रबंधकों ने, जिनको जवाबदेही है राष्ट्रीय स्तर पे हो या राज्य के स्तर पे, सब तैयारी किया गया है. राज्य के मुख्य सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी ने बताया कि पूरी, गंजाम, गजपति और जगदीशपुर में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं. जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों के संस्थाओं को भी बंद करने पर फैसला लिया जा सकता है. ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस. Hey there, subscribe to my channel and also press the bell icon to get the latest news updates and the notification.